हेलो स्टूडेंट्स, आ चुके हैं आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के। ये जो वीडियो है क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एनवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपने एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले थे वो है मैथ का, जो कि हमारा अरिथमेटिक टेस्ट है। इसमें जो सबसे फर्स्ट हमारा जो चैप्टर था वो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। आपने ये पढ़ा भी होगा क्लास फोर में या फिर फाइव में। इसी चीज़ को हम फिर से डिस्कस करेंगे। इसमें जो कुछ नई चीज़ें हैं वही हम पढ़ेंगे और फिर जो पुराने टॉपिक्स हैं उसको भी एक बार रिकॉल करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी तरीके चले इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ आता है वो है कि नंबर, नंबर क्या होते हैं। तो इन हिंदू अरेबिक सिस्टम देयर आर 10 डिजिट्स। अगर हम अपने हिंदू अरेबिक सिस्टम की बात करें तो हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं। तो आप पूछेंगे कि अब कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें कि 10 डिजिट्स से ज़्यादा होते हैं। तो हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में ही हम लोग इन नंबर्स का यूज़ करते हैं। बाकी अगर रोमन में हम देखें तो हम वहाँ पे 10 नंबर्स का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम वहाँ पे लेटर्स का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करते हैं इसमें 10 डिजिट्स होते हैं और इन्हीं को ग्रुपिंग करके, अरेंज करके हम नए नए नंबर्स को बनाते हैं। अब नेक्स्ट है सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? अ न्यूमेरिक सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड मैथमेटिकल रूल्स दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर। तो ये जो सिस्टम होता है ये एक न्यूमेरिक सिस्टम है जो कि सेट होता है कैरेक्टर्स का। कैरेक्टर्स मीन्स ये जो हमारे नंबर्स हैं इनका एक सेट, इसका एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग मैथमेटिक्स के द्वारा जो रूल बनाए गए हैं उसके हिसाब से अरेंज करते हैं और किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम दो तरीके के होते हैं। हमें जो पढ़ना है वो दो ही हैं। इसमें फर्स्ट है इंडियन, या फिर इसी को हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कहते हैं, और जो सेकंड है वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हिंदू अरेबिक सिस्टम या फिर इंडियन नंबर सिस्टम, ये क्या होता है? तो देखिए, इसमें हम लोगों को कुछ ये टेबल जो है वो पूरी चीज़ों को बता देगा। तो कैसे, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वैल्यूज़ हैं कुछ, फिर पीरियड्स। क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन में कभी पूछ देता है पीरियड्स बताइए, तो यहाँ पे देखिए, वंस में 3 पीरियड होते हैं, 1000 में 2 पीरियड होते हैं, लाख में 2 पीरियड होते हैं और करोड़ में 2। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए, जो वंस होता है तो इसमें 3 होते हैं, 1, 10, 100, और 1000 में 10,000, 1000, 10,000, लाख में लाख, 10 लाख, इसी तरीके से करोड़ में करोड़, 10 करोड़। ये होता है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। इससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से परिचित होंगे। अब अगर कोई एक न्यूमेरिक दिया हुआ है जैसे 4, 3, 2, 5, 2, 3, 7, 1, 6, तो हम इसको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में लिखेंगे कैसे और इसको रीड कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये आता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम द अबव न्यूमेरल इज रिटन एज 43,25,23,716। तो देखिए, अच्छा अब लिखने का तरीका क्या है, तो आप नोटिस करेंगे कि देखिए, जितने जितने पीरियड्स पे हमने ये जो पीरियड्स हमने डिवाइड किए हुए हैं, वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़, तो जब जब ये पीरियड खत्म होगा तो हमें कॉमा लगाते हैं। इस यही इंपॉर्टेंस होता है पीरियड का, ये हमें बताता है कि कहाँ पे ये जो नंबर्स हैं उसमें कॉमा कहाँ कहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये देखिए, वंस में 3 है, वंस, टेंस, 100, तो वंस, टेंस, 100 के बाद एक कॉमा हमने लगा दिया। फिर 1000 में 2 हैं, 3 और 2, तो इसके बाद हमने एक कॉमा लगा दिया। फिर 5 और 2 के पहले एक कॉमा लगा दिया, और इसी तरीके से 43, इसके आगे करोड़ के आगे भी आता है, बट आपके जो सिलेबस में है वो यहीं तक है, तो इसलिए हम अभी यहीं तक कवर करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, बट अक्सर क्योंकि हमारे यूज़ में ये वाला है, हम पूरे टाइम हम यही वाला नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, बस ये सिलेबस के दौरान पढ़ते हैं, तो इसलिए अक्सर ये हमारे माइंड से भूल जाते हैं हम लोग अपने। तो इसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पीरियड्स होते हैं, अगर हम इसको सही तरीके से देखें तो ये जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है ये इस हमारे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम से कहीं ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें देखिए पीरियड्स सिंपल सी चीज़ है कि हमें देखिए, अगर कोई कभी भी कॉमा लगाने के लिए बोल दिया तो हम लास्ट से 3-3 डिजिट पे काउंट करके कॉमा लगाते चल जाएंगे, क्योंकि इसमें जितने भी पीरियड्स होते हैं वो 3-3 डिजिट पे होते हैं। तो देखिए, वंस में 3 डिजिट, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड में भी 3 डिजिट, 1000, 10,000, 100,000, फिर इसी तरीके से मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन। तो इस तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर आप समझते हैं तो, नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये टफ भी हो सकता है।
अब इसमें एक न्यूमेरल दिया हुआ है 4325233716, इसको हम इस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखेंगे कैसे और रीड कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हर एक पीरियड के बाद कॉमा, तो 716 एक पीरियड ख़त्म तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, तो जो कि यहाँ लग गया। फिर 1000 वाला तो 523000 हो गया, तो यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे। फिर इसके बाद 432 है तो यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ ये पीरियड्स ख़त्म होते चले जाएंगे, हम वहाँ वहाँ पे कॉमा लगाते चले जाएंगे। अब इसको रीड कैसे करेंगे? तो रीड करने का तरीका भी बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे ये हम लोग जैसे रीड करते चले आ रहे थे, तो ये होगा 716, ये जो नंबर है ये 716 होगा। अब इधर से आते हैं, तो देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, तो इसको एक साथ रीड करेंगे, ये पूरा एक साथ होगा 432, और ये पूरा कौन सा पीरियड है? मिलियन, तो हम लोग लिखेंगे 432 मिलियन। फिर ये कॉमा जो बताएगा कि इन तीनों नंबर्स को एक साथ हमें रीड करना है, तो ये हो जाएगा 523, और यहाँ पे है 1000, तो हम लिखेंगे 523000। फिर उसके बाद बस बचा 716, तो उसको हम 716 लिख देंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 432, ये 432 मिलियन, 523000 और 716। इस तरीके से हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबर्स को लिखते हैं। अब आता है कि हम कुछ एग्जांपल को भी सॉल्व कर लें, क्योंकि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है, अगर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो देखिए, आप अगर मेरे सामने होते तो मुझसे पूछते, मैं दोबारा बता सकता था, बट ऐसा है नहीं, मैं आपके सामने नहीं हूँ, मैं वीडियो बना के ही डाल सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं फिर से इस चीज़ को और अच्छे से समझा दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। बट एक बार आप कोशिश कीजिए, अगर कहीं नहीं समझ में आता है, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है, देन आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए हमसे, और वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं दोनों ही तरीक़ों से रिप्लाई करूँगा, मैं किसी के कमेंट को इग्नोर बिल्कुल नहीं करता हूँ, तो आप वहाँ पे कमेंट करके मुझे बताइए। फिलहाल आते हैं अभी अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए, इसमें कुछ यहाँ पे हमें न्यूमेरल्स दिए गए हैं, इनको हमें वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन बस इतना ही था, बट हम इनके लिए इनको हम लोग सही तरीके से पीरियड्स लगा करके कैसे अरेंज करेंगे और कैसे हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे, दोनों ही चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ है ये है 8275। अगर हम बात करें हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम की, तो इसमें देखिए होता क्या, इसमें यहाँ पे आता है वंस, टेंस, हंड्रेड, और ये पीरियड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपके सामने है, इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड, और ये वंस वाला पीरियड ख़त्म, तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको सही तरीके से अगर लिखेंगे तो 8275 ऐसा हम लिखेंगे कॉमा लगा करके, तब ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमने इसको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा। अब अगर हम इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं, देखिए ये है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, ठीक है? मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि थोड़ा सा स्पेस नहीं है समझाने के लिए, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसे इरेज भी नहीं कर सकता, तो आप इस चीज़ को समझिए। फिर उसके बाद अगर हम इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो देखिए इसमें भी क्या होता है, इसमें भी देखो वंस का पीरियड दोनों में बिल्कुल सेम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ये 84 डिजिट का ही नंबर, छोटा नंबर है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाएगा 8275। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी क्या है, वंस में 3 डिजिट, वंस, टेंस, हंड्रेड, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। अब सेकेंड नंबर की बात कर लें, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है, इसको अगर हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखिए ये लग जाएगा 901, 3 डिजिट्स के पहले कॉमा, और ये 76। फिर यहाँ पे अगर देखिए इसको हम लोग इंटरनेशनल में लिखेंगे तो भी ये बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स हैं, डिफरेंस आता है बड़े नंबर्स में। जैसे ये देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, अगर हम इस थर्ड क्वेश्चन को लिखते हैं तो ये हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 7 8। अब हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में आते हैं, तो देखिए यहाँ पे वंस जो पीरियड है ये 3 डिजिट्स पे ख़त्म होता है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे 5 7 8, ये लास्ट के 3 डिजिट्स ख़त्म, तो यहाँ पे हम एक पीरियड लगा दिए। फिर इसके बाद 1000 में 2 डिजिट, तो हम इसके पहले के 2 डिजिट्स को लेंगे, तो ये होगा 34, ये भी पीरियड ख़त्म। फिर इसके बाद 1000 के बाद लाख, तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट्स बचे हुए हैं, और इस लाख में भी 2 ही डिजिट होते हैं, तो यहाँ पे 1 2,
इस तरीके से हम इसे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में लिखेंगे। डिफरेंस अभी आपको देखिए इसी क्वेश्चन में पता चलेगा दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जब हम इसमें लिखेंगे तो देखिए इसमें 3-3 डिजिट्स पे पीरियड्स डिवाइडेड है, तो हम यहाँ पे बिना कुछ देखे बस सिंपली देखिए बहुत आसान है ये। हम सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट्स को लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे, फिर इसके पहले के 3 डिजिट्स को लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे, और जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे। बहुत आसान है ये, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको याद है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, इसमें आपको 3 डिजिट पे पीरियड्स लगाने हैं। अब इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन ये आता है, तो चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए नंबर नेम लिखने के लिए हमें चाहिए क्या, मैं कुछ थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो ऐसा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ ताकि कुछ मुझे स्पेस मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था, अगर हम इसको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखें तो ये देखिए ये है 8275। इसको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखें तो देखिए हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में ये वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है और ये 1000 होता है। तो 8 क्या है, 1000 प्लेस पे है, तो हम लिखेंगे 8000। अब अगर हम देखें तो ये पूरा एक पीरियड है, तो ये एक पीरियड हमें बताता है कि इस पूरे को हमें एक साथ रीड करना है, तो ये हो जाएगा 275। तो हम इसको लिख देंगे 275। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसी को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखें तो देखिए, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी क्या है, ये 1000 वाला पीरियड है, तो इसमें भी हम लोग 1, 10, 100 और 1000 ही पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, आपको कुछ करना नहीं। ये इसको हम 8275 ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था 76901। ये हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में भी ऐसे ही लिखेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम में भी, सॉरी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी ऐसे ही लिखेंगे, तो इसका भी नंबर नेम बिल्कुल सेम ही रहेगा, नंबर नेम डिफरेंस होगा इसमें। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग नंबर नेम भी करेंगे, फिलहाल पहले इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पीरियड यहाँ पे है, तो इसको लास्ट में हम लोग लिखेंगे 901, बट सबसे पहले हम लोग इधर वाले डिजिट को लिखते हैं। तो ये देखिए ये किस प्लेस पे है, ये जो पीरियड है ये 1000 वाला पीरियड है, तो हम इस पूरे को एक साथ रीड करेंगे, तो ये पूरा एक साथ क्या होगा 76, तो हम इसको लिखेंगे 76000। अब बचा क्या 901, ये वंस पीरियड है, तो हम लोग इसको लिख देंगे 901। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, थोड़ा सा जगह हमें चाहिए तो इसलिए इसको इरेज करना पड़ेगा, और आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, कॉपी पेंसिल पेन जो भी आप यूज़ करते हैं उसको लेके बैठे, क्योंकि जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख के लगे उसको लिख लिया कीजिए। वीडियो से आप कितने बार करेंगे, एक बार दो बार देख सकते हैं, लेकिन आपको एक नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, उस नोट्स को आप बनाइए और उससे पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हम पहले हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर इसको लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। अब इसका अगर हम नंबर नेम लिखें तो देखिए ये है वंस पीरियड, ये है थाउजेंड पीरियड और ये है लैक पीरियड। तो देखिए इस सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं, तो ये है 1200000, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1200000, फिर 34000, फिर बचा क्या 578, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 578। अब नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट नंबर था, नेक्स्ट कोई नंबर नहीं था सॉरी, यहाँ पे हमें इसी नंबर को करना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम इसी नंबर को इस तरीके से लिखेंगे 3-3 डिजिट्स पे पीरियड लगा करके। अब ये जो पीरियड होता है वो वंस का होता है, ये जो पीरियड होता है ये 1000 का होता है। तो देखिए अब ये जो है, अच्छा सॉरी इधर वाला पीरियड तो मैं भूल गया, तो ये वंस का पीरियड, देखिए वंस 1000 मिलियन, तो वंस 1000 मिलियन, तो मैं इसको क्या लिखूँगा 1 मिलियन, तो 1
मिलियन। अब 234 देखिए, जब जो भी पीरियड होता है हमें यही बात बताता है कि हम यहाँ पे 2000 लिखेंगे या 23000 लिखेंगे या 34000 लिखेंगे, कन्फ्यूजन आता है। तो ये पीरियड हमारा हेल्प यहाँ पे इस बात के लिए करता है कि हमें तीनों डिजिट को एक साथ रीड करना है, और जब एक साथ रीड करेंगे तो ये 234 होगा, तो हम इसको लिखेंगे 234000। आगे बचा क्या 578, तो हम यहां पे लिख देंगे 500। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, इन दोनों में कैसे लिखेंगे ये आपको बता दिया। अब आगे के कुछ और भी डिफिनेशंस हैं, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।